उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उन्हें छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतार दिया है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतार दिया है। खबर पर आधिकारिक पुष्टि बीजेपी की तरफ से होना बाकी है, लेकिन गोंडा से सामने आए एक वीडियो ने इन कयासों पर लगभग मोहर लगा दी है। टिकट मिलने की खबरों के बीच करण भूषण सिंह अपने पिता से मिलने पहुंच गए और इस दौरान पैर छूकर अपने पिता का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान समर्थकों ने सांसद जी और करण भूषण सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके साथ ही कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के नामांकन के लिए चार सेट में पर्चा भी खरीद लिया गया है। सूचना विभाग से पर्चा खरीदने की जानकारी भी सामने आ गई है। बता दें कि तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजे आलाकमान ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर तैयार नहीं था। बीते साल भर से जिस तरीके से महिला पहलवानों की ओर से उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के लोग हमलावर थे, इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये फैसला ले लिया है। वही करण भूषण सिंह की बात करें तो करण भूषण ब्रजभूषण के छोटे बेटे हैं, तो वही ब्रजभूषण के बड़े बेटे का नाम प्रतीक है, जो सदर सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं, जबकि करण पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। करण भूषण सिंह की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वो 2018 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे। करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1990 को हुआ था। करण भूषण सिंह की एक बेटी और एक बेटा भी है। वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक करण भूषण विदेश में पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वर्तमान में करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि करण भूषण कल यानी कि 3 मई को अपना नामांकन 11 बजे दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी के महीने में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था। वो लगातार अपने पिता ब्रजभूषण के लिए कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी जुटा रहे थे। ब्रजभूषण ने कई बार अपने लोगों से कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी नहीं बनाती है तो करण भूषण सिंह को भाजपा प्रत्याशी बनाएगी और उन्हीं के नाम पर हम लोगों का समर्थन होगा। वहीं बीते दिनों करण की कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो कार्यक्रमों में शामिल होकर पार्टी को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दोनों बेटों के अलावा ब्रजभूषण की पत्नी भी राजनीति में सक्रिय हैं और मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। 3 मई को कैसरगंज लोकसभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख है। इस सीट पर अंतिम दिन सभी दल अपने अपने पत्ते खोल सकते हैं। इस बीच अवध की 8 सीटों को लेकर बीजेपी यूपी में समीक्षा बैठक करने वाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के शामिल होने की खबर भी है। इस बीच बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नरेंद्र पांडे को टिकट थमा दिया, लेकिन सपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं देखना होगा कि ब्रजभूषण का टिकट कटने के बाद बेटा कैसे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।